रक्त की पहुंच चुकी है खिली सुगंधित गलियों तक, हर घर में मातम छाया है, कोलाहल है गलियों तक। आज ये रिश्ते टूट चुके हैं, दर्पण लज्जित होता है, अपराधी अब जीत रहा है, राम पराजित होता है। क्रोध बेड़ियां बांधे बैठा राजनीति के शोषण में, क्रोध बेड़ियां बांधे बैठा राजनीति के शोषण में, खामोशी कोहरा बन जाती आतंकों के मौसम में। क्या बात है, बहुत अच्छी बन जाती। पतझड़ का हरियाली में परिवर्तित होना निशाना रोज सुनिश्चित है, एक छोटी चिंगारी को दावानल होना पड़ता है, गांधी को भी अंत समय में धीरज खोना पड़ता है। पर ये नेता चुप बैठे हैं पाकिस्तानी हमलों पर, आतंकवादी समझौते हुए कुछ का भी चुप करके, निशाना रोज सुनिश्चित है, एक छोटी चिंगारी को दावानल होना पड़ता है, गांधी को भी अंत समय में धीरज खोना पड़ता है। पर ये नेता चुप बैठे हैं पाकिस्तानी हमलों पर, धीरज पल पल पलता रहता विस्फोटों के मलबों पर, उत्तर शर्मिंदा होता है केवल निंदा हस्ती है, तकरारे पल में मिट जाती और वाणी माता की। कौरव पांडव के हमने ना समझौते होते देखे, कौरव पांडव के हमने ना समझौते होते देखे, पानी के घर में हमने ना अंगारे सोते देखे, राम नहीं समझौता करते नहीं कर सकते, भूल नहीं सकता है कोई हाफिज के अल्फाजों को, भूल नहीं सकता है कोई हाफिज के अल्फाजों को, भूल नहीं सकता कोई हमलों से सहमी सांसों को, भूल नहीं पाएंगे हम कश्मीर मांगता है कोई, भूल नहीं सकते भारत का शीश मांगता है कोई, भूले कैसे पाकिस्तानी आतंकों की दस्तक को, भूले कैसे हेमराज की माँ बेटे के मस्तक को। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेमराज की माँ बेटे के मस्तक को भूले कैसे हेमराज। तो है शांत बवंडर काले बादल मौत के, भारत माँ पर मरहम है वे पाकिस्तानी चोट के, भारत माँ पर मरहम है वे पाकिस्तानी चोट के, सैनिक है खेतों की बरखा जीत, सैनिक है खेतों की बरखा जीत की चिट्ठी है वे, फसलें जिस पर लहराती है उपजाऊ मिट्टी है वे, फसलें जिस पर लहराती है उपजाऊ मिट्टी है वे। वे अब देखिए आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। माता की तो साथ
साथियों मैं बता रहा था कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो देश का माहौल बदला और पाकिस्तान के हृदय में भी संवेदनाएं ऐसे उमड़ने लगी कि वो भी भयभीत हो चुका है। चार पंक्तियां ऐसी बदली हुई सत्ता के लिए अब गद्दी पर बैठा है पाकिस्तान और ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर कुछ और प्रहार करने जिस प्रकार यहाँ पर निशांत ने किए, हंसराज कॉलेज के युवा कवि निशांत परमार ने यहाँ पर किए, एक और अंबेडकर कॉलेज का युवा कवि हमारे बीच है केसरी नंदन मिश्रा, मैं उसको चली जाती है। ऐसे ही एक बार कुछ लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे जी, तो उसमें एक सीट जो तीन लोगों की सीट होती है उस पर दो पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी बैठे थे। अब आप समझ सकते हो जहां दो पाकिस्तानी हो और एक हिंदुस्तानी हो तो पाकिस्तान का मतलब तो खुरापात, वो खुरापात करे बिना तो मान नहीं सकता। अब दोनों पाकिस्तानियों के मन में खुरापात सूझी, उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया, उनमें से एक पाकिस्तानी उस हिंदुस्तानी से बोला कि भैया हम सब तो स्वतंत्रता से पहले भी भाई भाई थे और बाद में भी भाई भाई हैं, ये तो हमें नेताओं ने तोड़ दिया, नेताओं ने हमें अलग करा दिया, वरना हम तो एक ही थे और मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। अब हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी ठहरा, जानता था वो सेवा परमो धर्म है, वो बड़ी खुशी खुशी बोला उससे कि हाँ हाँ भैया क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आया। अब वो उस पाकिस्तानी के लिए हिंदुस्तानी पानी लेने चला जाता है, पाकिस्तानी उस हिंदुस्तानी का उसकी सीट के नीचे से एक जूता निकालता है, उसके अंदर थूक देता है और वापसी सीट के नीचे रख देता है। हिंदुस्तानी आता है, उसको पानी पिलाता है और अपनी सीट पर पुनः बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा पाकिस्तानी भी यही हरकत करता है, वो भी उस हिंदुस्तानी से बोलता है कि भैया बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो। हिंदुस्तानी फिर